तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब ठीक हैं? पी ब्लॉक की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पी ब्लॉक में आपने प्रीवियस क्लास में दो लेक्चर जिसमें हुए हैं, तो उसमें आपने अभी तक में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, पहले तो जनरल पी ब्लॉक के हमने इंट्रोडक्शन किए थे पार्ट वन में, फिर ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, फिर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में हमने नाइट्रोजन के एनामलस बिहेवियर को देखा, ठीक है। उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स किस प्रकार से थे और क्यों वैरी कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जब तक आप लोग केमिस्ट्री में सही ढंग से नहीं पढ़ते हो, उसको याद नहीं करते हो, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हो, तो अधिकतर सवाल क्या होता है कि एक्सेप्शंस पर सवाल बहुत अधिक रहते हैं। एक्सेप्शंस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस थोड़े कम होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूल तो कोई भी याद कर लेता है, लेकिन एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत ही खास होते हैं। वो खास मेहमान होते हैं जो कभी कभी आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, और इसलिए सवाल जो है वहीं से पूछे जाते हैं। तो पी ब्लॉक के पिछले क्लास में हमने सारे एक्सेप्शंस को देखे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को पढ़ा था, तो उसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्यों बदलाव आ रहे थे, किस तरीके से बदलाव आ रहे थे, हमने सब कुछ देखा। फिर नाइट्रोजन जो है सभी एलिमेंट्स तुलना में अलग है, एक्सेप्शनल एलिमेंट है, वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम लोग एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हमने सीखा कि नाइट्रोजन में एनामलस बिहेवियर क्यों आता है। फिर हमने सीखा कि कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के कि कैसे हम लोग दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि वहां पर नाइट्रोजन जो है और सभी एलिमेंट से डिफरेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने डिफरेंट करके दिखाया था। आज इन्हीं पिछले दो लेक्चर्स पर आज कुछ सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए एनसीईआरटी फुल फोकस करके एकदम पढ़ाई करें। जैसे पहला सवाल यहाँ पर है, एक्सप्लेन व्हाई बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। आप बताओ कि बिस्मत पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, बिस्मत के दो पी ऑर्बिटल्स क्यों नहीं पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर भी आपने किया था कि जैसे कि नाइट्रोजन होता है, देखिए यहां पर नाइट्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट अपने पूरे ग्रुप का, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे आगे जाएंगे तो यहां आर्सेनिक, उससे आगे जाएंगे तो एंटीमनी, उससे आगे है तो बिस्मत। बिस्मत यहाँ पर जो है नीचे वाले एलिमेंट, यहाँ नीचे वाले ग्रुप में पीरियड में बैठा हुआ है, तो मतलब सिक्स पीरियड का ये एलिमेंट है, यानी कि कहें तो इसमें 2s2 2p3 कन्फिग्रेशन होता है, इसमें 2 3s2 3p3 कन्फिग्रेशन होता है, इसमें 4s2 4p3 कन्फिग्रेशन होता है, इसमें 5s2 और 5p3 कन्फिग्रेशन होता है, और इसमें 6s2 6p3 कन्फिग्रेशन होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर नाइट्रोजन जो है आसानी से नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कारण यही है यहाँ पर कि नाइट्रोजन के ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल में वैकेंट हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पीएक्स में होते हैं अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन पीवाई में होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पीजेड में होते हैं। पीएक्स पीएक्स एक ओवरलैपिंग करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, या बहुत बुक में पीजेड पीजेड का भी ओवरलैपिंग होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सबकी एनर्जी सेम होती है। बाद बाकी दो जो पी वाई और पीजेड पैरेलल ओवरलैप करते हैं, वहां से वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब बात यह है कि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, जब नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऑर्बिटल छोटे होते हैं, छोटे ऑर्बिटल्स आसानी से ओवरलैप कर जाते हैं। जबकि यहां पर इसका अगर 6s2 6p3 की बात करें तो यहां भी p में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हालांकि यहां पर बात करें तो 6p जो होता है 2p के तुलना में बहुत बड़े साइज का डंबल शेप होता है। जब बहुत बड़े साइज का 6p इलेक्ट्रॉन्स होगा तो यहां पर p ऑर्बिटल्स बहुत ही बड़ा डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होगा, तो डिफ्यूज्ड होने कारण से, यानी बहुत बड़े होने कारण से, यहाँ पर जो उनका ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, जब अच्छे से नहीं होता है तो वहां पर पी पाई स्टेबल नहीं रहता है, यानी वहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है। ओवरलैपिंग जो है छोटे ऑर्बिटल्स आसानी से होता है, बड़े ऑर्बिटल्स आसानी से नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन स्टेबल पी पाई बनाता है, बट बिस्मत सबसे कम पी पाई बनाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पी पाई किसका होगा, नाइट्रोजन का, उससे भी किसका, उससे भी किसका, उससे भी किसका, और इससे भी किसका, यानी कि बिस्मत पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो यहां लिखते हैं, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज एंड लार्ज और डिफ्यूज्ड पी ऑर्बिटल,
डिफ्यूज्ड पी ऑर्बिटल, बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। बिस्मथ जो है ये पी पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। बिस्मथ में अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए बिस्मथ कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, पाई बॉन्ड यानी कि नहीं फॉर्म कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं और डिफ्यूज होते हैं, इसीलिए। ठीक है, पहला कारण बन गया। अगले से जाते हैं तो यहाँ पर है वाई सी एस थ्री होल थ्री पी डुअल बॉन्ड सी एच टू एग्जिस्ट बट सी एस थ्री होल थ्री एंड डुअल बॉन्ड सी एच टू कांट। तो मतलब कि ये जो आपका सवाल है, ये सवाल बेस्ड है इस बात पर कि नाइट्रोजन में कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में है। जरा इस पर गौर करिएगा। यहाँ पर तो बात यहाँ पर ये है कि नाइट्रो अगर हम फास्फोरस की यहाँ पर स्ट्रक्चर बात करें, यहाँ पर तो सी एस थ्री, ये इधर पी है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ सी एस थ्री है, और डुअल बॉन्ड यहाँ पर सी एच टू है। इस कंपाउंड का ये हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सी एस थ्री एंड ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, और यहाँ डुअल बॉन्ड सी एच टू। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 है, यहाँ पर फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 है, जबकि हमने यहाँ पर पिछले थ्योरी में पढ़ाया था कि नाइट्रोजन की यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की कोवैलेंसी जो होती है ना मैक्सिमम 4 हो सकती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है नाइट्रोजन के पास, 2 में वैकेंट d नहीं होता, क्योंकि d का स्टार्टिंग कहां से होता है, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का मान 3 होता है, 3 में d स्टार्ट होता है, 2 में d नहीं होता है, तो d नहीं होता है, इसलिए 2s पेयर्ड है पहले से, 2p यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन से है, मतलब कि नाइट्रोजन यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड ही बना सकता है, नाइट्रोजन पास चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर जो है हमारे पास 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। वही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में 3s2 3p3 कंफिग्रेशन है, अब 3 में तो डी भी होगा, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d ऑर्बिटल भी यहाँ फास्फोरस के पास में है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट की बात किए, जैसे यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ये जंप करके इसमें जाएगा, वैसे यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3d में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 हो गए, तो 5 बॉन्ड ये बना सकता है फॉस्फोरस, जबकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसका एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है। इसी टॉपिक को एक ऐसे तरीके से भी पूछता है, खास करके बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म NCl3 व्हाइल फास्फोरस कैन फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ, व्हाई? नाइट्रोजन केवल NCl3 फॉर्म कर सकता है जबकि फास्फोरस PCl3 भी फॉर्म कर सकता है, PCl5 भी फॉर्म कर सकता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसके पास पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 3 ही है केवल, जबकि यहाँ पर फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए नॉर्मल स्टेट में उसके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं जहां PCl3 बनता है, और वहां पर एक्साइटेड स्टेट में उनके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं जिसके कारण से वहां PCl5 बनता है। तो यहां पर बोलेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन कांट फॉर्म वो कंपाउंड CH3 हॉल 3 एंड डुअल बॉन्ड CH2। जबकि यहां पर लिख देंगे व्हाइल फास्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इन द एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड सो कैन फास्फोरस कैन फॉर्म CH3 हॉल 3 पी डुअल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया यहां पर? तो यहां पर जो है जो बेसिक में आप लोग पढ़े, जो थ्योरी में आप लोग पढ़े, वो आप लोग को उसी पर सवाल यहाँ पर बेस्ड है। सिंपल सी बात है, अगर आपने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो जाकर थ्योरी का वीडियो पर जरूर जाकर देखिए। आई होप आपको और सारे जगह से जरूर अच्छा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, वाई? नाइट्रोजन जो है जल्दी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नाइट्रोजन कभी भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी अदर एलिमेंट से, अदर कंपाउंड से, लेकिन फास्फोरस रिएक्ट कर जाता है, ऐसा क्यों? जैसे कि आप एयर में भी नाइट्रोजन को देखते होंगे, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फास्फोरस वाले एयर में छोड़ देते, फास्फोरस में बर्निंग होना शुरू हो जाता है, फास्फोरस
जलना शुरू कर, जल करके वहां पर फास्फोरस अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फास्फोरस रिएक्टिव है, नाइट्रोजन नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर, इसको हमने भी थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, नाइट्रोजन जो है यहां पर इन एन टू, नाइट्रोजन में इन एन टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज प्रेजेंट विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कारण क्या है यहां पर? तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहां पर जो है वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये स्टेबल पी पाई बॉन्ड है यहां पर। तो नाइट्रोजन का ही यहां पर केवल पी पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने कारण से क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रांगली एकदम हेल्ड हो जाता है, दो नाइट्रोजन आपस में बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, जिसको तोड़ने में बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ही अधिक है, 941 किलो जूल पर मोल के आसपास में है। यहाँ पर बहुत ही हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। इसकी जो BDE है, मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो वेरी हाई है, जिसके कारण से ये हमारा क्या है जी, बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटता नहीं है, जिसके कारण से जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट फॉस्फोरस में बात करें यहाँ पर, बट फॉस्फोरस कांट हैव पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सो द BDE इज लो। और फास्फोरस जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है अपने साइज बड़े होने कारण से, इसीलिए फास्फोरस फास्फोरस जो है वो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है, और इसलिए वो आसानी से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उनके बॉन्ड्स, और इसलिए वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट कर जाता है। जबकि नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करता है अपने पी पाई स्टेबल बॉन्ड होने कारण से, वो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बहुत ही हाई कर देता है। समझ में आ गया यहां तक? अगला क्वेश्चन यहां पर है, व्हाई एन टू एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस एंड पी फोर एग्जिस्ट एज टेट्रा एटोमिक सॉलिड। ये जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, ये डायटोमिक गैस के रूप में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जबकि P4 ये जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है, ये टेट्रा एटोमिक सॉलिड है। N2 का स्ट्रक्चर आप देखे ही हैं, N2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और P4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्रा एटोमिक होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये टेट्रा एटॉमिक शेप में होता है, यहाँ पर टेट्रा एटॉमिक है, चार एटम से मिलकर बना टेट्रा एटॉमिक कहलाता है। ये जो है हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फास्फोरस जो है, पहली बात यहाँ पर ये है कि फास्फोरस में जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड जो है वो फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पी पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनता है, नहीं बन पाता है इनके साइज बड़े होने के कारण से। नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनने कारण से ये नाइट्रोजन जो है दो एक नाइट्रोजन साथ मिलकर के डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर जाता है। बट फास्फोरस में जो पी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, इसी कारण से यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता जल्दी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं, डबल बॉन्ड कभी कभी बन जाता है। और यहाँ पर क्या है कि फास्फोरस, इसलिए जनरली इनका सिंगल बॉन्ड जो है, अब अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का स्टेबल नहीं है, फास्फोरस का स्टेबल है। बताएं क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर आपने पढ़ा, आपको पिछले थ्योरी में पढ़ाया था कि नाइट्रोजन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड नहीं होता है। क्यों? नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स होते हैं छोटे, छोटे ऑर्बिटल है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ही रिपेल करते हैं, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड उनका स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। जबकि यहां पर क्या है कि फास्फोरस में इनके ऑर्बिटल्स होते हैं बड़े, अब बड़े ऑर्बिटल्स है तो ऑर्बिटल डेंसिटी क्या है, लो है डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो क्या होगा, कम होगा फास्फोरस में, इसलिए फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड है जो वो स्टेबल रहता है। यानी कि फास्फोरस का यहाँ पर सिंगल बॉन्ड स्टेबल है, स्टेबल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होता है इसका स्टेबल होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नाइट्रोजन में होता है, ऑर्बिटल्स छोटे होने के कारण से इसमें नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर फास्फोरस जो है, तो फास्फोरस यहाँ पर P4 के फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड है, तो समझ में आ गया। अब फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि कई सारे P4 के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर P4 जो है वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो यानी कि यहां पर क्या हो गया कि नाइट्रोजन फॉर्म्स स्टेबल पी पाई बॉन्ड्स एंड सो दैट इट एग्जिस्ट एज N2 गैस वाइल फॉस्फोरस हैज सिंगल बॉन्ड विथ फोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल सो इट एग्जिस्ट एज P4 सॉलिड टेट्रा एटोमिक सॉलिड। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बन सकता है इसलिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनने के साथ ये N2 के गैस के फॉर्म एग्जिस्ट कर जाता है जबकि फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड रहता है इसीलिए यहां पर चार एटम से मिलकर के फास्फोरस जो है P4 के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और चूंकि इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है इसलिए ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्रेशन अच्छा लगा होगा और आपने जो थ्योरी पढ़ा होगा उसका कुछ यूज नजर आ रहा होगा। सवाल ये है कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तभी हमें ये अंदाजा होता है कि हमने थ्योरी कितना पढ़ा है, इसलिए जरूरी ये होता है कि थ्योरी पढ़ करके आप उस पर आधारित क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर ले। क्वेश्चन कई टाइप के जैसे NCERT क्वेश्चन हो गए, किसी और जगह के सैंपल पेपर्स हो गए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में ऐसे ही कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में जरूर करेंगे। और हाँ, हमारे क्लासेस में बायोमोलिक्यूल्स भी अभी चल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स का आपको इंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अगर कमजोर है बायोमोलिक्यूल्स में, नहीं जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स के वीडियो को जरूर क्लिक करें और वहां पर जाएं और बायोमोलिक्यूल्स वॉच करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अगली अगली जो वीडियो होगी हमारे पी ब्लॉक की वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, मिलते हैं उस वीडियो में।